अस्सलाम वालेकुम। कराची में लर्दा खेज वाकिया, गुलशन इकबाल में तलबा का झगड़ा, कोचिंग सेंटर में फायरिंग, तालिब इल्म जावाहक, उर्सा का लाश के हमरा प्रेस क्लब पर शदीद एहतिजाज। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि गुलशन इकबाल थाने की हुदूद 13 डी मदीना मस्जिद के करीब वाकई अल अजीम कोचिंग एकेडमी में फायरिंग के वाकये में तालिब इल्म एहसन अली वल्द अख्तर जाबाहक हो गया। वाकये का मुकदमा दर्ज हो गया। FIR के मुताबिक दो रोज कबल बेटे का झगड़ा हुआ था, लेकिन सुलह हो गई थी। कोचिंग की दूसरी मंजिल पर तलहा और नोमान नामी नौजवान आए और फायरिंग की। मकतूल एहसन अली की उम्र 19 साल थी और वो 11वें जमात का तालिब इल्म था। लाडले बेटे की नागहानी मौत अहले खाना पर कयामत बनकर टूट पड़ी। एहसन अली 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। एहसन के दोस्तों ने बताया कि वो एक होनहार और पढ़ने लिखने वाला तालिब इल्म था। दूसरी जानिब मुल्ज़िमान के फरार होने पर अहले खाना मकतूल तालिब इल्म की लाश के हमरा कराची प्रेस क्लब पहुँच गए, जहाँ उन्होंने शदीद एहतजाज करते हुए कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।